नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Apple iPhone 13 Pro Max वर्सेस Apple iPhone 12 Pro Max का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 6.33 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3.07 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो iPhone 13 Pro Max में 0.3 इंच जबकि iPhone 12 Pro Max में 0.29 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो iPhone 13 Pro Max में 238 ग्राम्स जबकि iPhone 12 Pro Max में 226 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही OLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 19:5:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1284x2778 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दोनों फोन में सेम ही 87.55% है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 457 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो iPhone 13 Pro Max में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। और iPhone 12 Pro Max की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, टेलीफोटो कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो iPhone 13 Pro Max में 13 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और iPhone 12 Pro Max की बात करें तो उसमें 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU दोनों फोन में सेम ही Apple GPU 4-core ग्राफिक्स देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो iPhone 13 Pro Max में Apple Bionic और iPhone 12 Pro Max में Apple Bionic मिलता है। बात करें रैम की तो iPhone 13 Pro Max में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8 GB की रैम मिलती है, जबकि iPhone 12 Pro Max में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6 GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 3 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 128 GB, 256 GB, 512 GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो iPhone 13 Pro Max में iOS v15 जबकि iPhone 12 Pro Max में iOS v14 देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 4 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो iPhone 13 Pro Max में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8 GB रैम, 128 GB स्टोरेज के साथ 129,900 रुपीस, 8 GB रैम, 256 GB स्टोरेज के साथ 139,900 रुपीस, 8 GB रैम, 512 GB स्टोरेज के साथ 159,900 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें iPhone 12 Pro Max की तो उसमें 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6 GB रैम, 128 GB स्टोरेज के साथ 124,700 रुपीस,
6GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 132,200 रुपीस, 6GB रैम 512GB स्टोरेज के साथ 153,500 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो एप्पल आईफोन 13 प्रो मैक्स में 4 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें एप्पल आईफोन 12 प्रो मैक्स की तो उसमें 3 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी Z4 3 है जो कि 157,999 रुपए में मिलता है, और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी Z4 3 है जो कि 149,999 रुपीस में मिलता है, और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।